इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम कॉर्पोरेशन इंतखाबात काफी नजदीक पहुंचने के आसार तो नजर आ रहे हैं। मार्च आखिर तक चुनाव को मुकम्मल करने का फैसला तो अदालत ने दिया है, पर बेलगाम कॉर्पोरेशन एक अजीब दोहराव पर खड़े होने की तस्वीर दिखाई दे रही है। हुबली धारवाड़ में बेलगाम के नहज पर ही रिजर्वेशन और वार्ड की तामीर नव यानी पुनर्रचना की पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसका फैसला पिछले जुमेरात को दिया गया, जिसमें सिर्फ रिजर्वेशन की बात कही गई थी। यह फैसला धारवाड़ हुबली पिटीशन के फैसले के तौर पर दिया गया है, पर हुक्म ये भी है कि सभी कॉर्पोरेशन इंतखाबात को जल्द मुकम्मल किया जाए, लिहाजा वार्ड पुनर्रचना यानी तामीर नौ का जिक्र नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से इंतजार के बाद किस फैसले पर अमल किया जाए। ये भी इत्तला हासिल हुई है कि 2006 में जो वार्ड पुनर्रचना की गई थी, जिसकी बुनियाद पर 2007 और 2014 कॉर्पोरेशन चुनाव किए गए थे, 2018 में वार्डों की तामीर नौ की गई, जिस पर सियासी हुकूमत ने 26 अक्टूबर 2019 को रद्द कर दिया गया था। इसके बारे में अदालत का दरवाजा अभी खटखटाएगा, लिहाजा मौजूदा फैसले से इतना तय होता नजर आ रहा है कि एक बार फिर किसी तरह की नई वार्ड रचना न करते हुए पहले वाले वार्डों की तरतीब पर ही चुनाव मुकम्मल होंगे। इस पर बेलगाम कॉर्पोरेशन ने अब तक कोई ठोस राय अपनी पेश नहीं की है, पर इतना जरूर कहा है कि अब तक कोई लिखित पर्चा इनके हाथ नहीं आया। अगर किसी तरह का हुक्म हासिल होता है तो फौरी तौर पर बल्दिया इंतखाबात की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से खुफिया तौर पर कॉर्पोरेशन चुनाव की सरगर्मियां जारी हुई है। कई कॉर्पोरेटरों के साथ बड़ी सियासी पार्टियां अपनी अपनी लॉबी बनाने के कामों को अंजाम देने की इत्तला हासिल हो रही है, पर इतना जरूर लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में बेलगाम कॉर्पोरेशन चुनाव का होना लगभग तय लग रहा है। अब जब ऐलान होता दिखाई दे रहा है तो कुछ कॉर्पोरेटर की चहल पहल भी होने लगी है, कुछ ख्वाहिशमंद पैसों के जुगाड़ में लगे हुए हैं तो कुछ अपना बजट बना रहे हैं। वैसे भी पंचायत हो या कॉर्पोरेशन, फिर एमपी एमएलए सभी तो पैसों के बलबूते पर ही लड़े जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% वोटरों को पैसे से ही खरीदा जाता है, तभी तो जीतने के बाद अगर कोई काम एमपी एमएलए के पास लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि आपने वोट पैसा लेकर दिया है। खैर, पैसों के लिए वोट ना करें, ये हमारा पैगाम है। अब बेलगाम कॉर्पोरेशन चुनाव के मद्देनजर 45 दिनों का वक्त दिया गया है, जिसमें रिजर्वेशन और इलेक्शन के टाइम टेबल का ऐलान करने को कहा है। अब सभी को इंतजार है कि कब बेलगाम कॉर्पोरेशन चुनाव अमल में आएंगे। अब अवाम की जानिब से पीएफआई की हिमायत में खामोश मुजारा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक खिदमत को अंजाम देने वाली तंजीम है, लिहाजा सिर्फ मजलूमों के हक में आवाज उठाने वाली इस मुल्क की वाहिद तंजीम होने की बिना पर रियासती और मरकजी दोनों हुकूमतों की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। इससे पहले भी मुल्क गिर सतह पर पीएफआई की जानिब से एहतजाज किया गया था। बेलगाम शहर में भी पीएफआई कारकुनान की जानिब से मुतालबा पेश किया गया था। बेलगाम डीसी को उन्होंने अपना मुतालबा भी दिया था। वाजह रहे कि ईडी आईटी की जानिब से पीएफआई दफ्तरों पर और जिम्मेदारों के घरों पर छापेमारी के जरिए हिरासा करने की मुस्तकिल साजिशें जारी, लिहाजा इनके डर से या इनके डराने से या खौफजदा करने से पीएफआई डरने वाली नहीं है। आरएसएस के इशारे पर कार्रवाई करना बंद करे, ऐसा भी पीएफआई की जानिब से कहा गया। पीएफआई को लेकर अवाम में भी काफी मोहब्बत है, क्योंकि एक वाहिद तंजीम है जो बाढ़ हो या कोरोना में किसी धर्म जात पात का कोई तफरका न करते हुए इंसानियत के मद्देनजर अवाम के खिदमात को अंजाम देती रहती है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से सिर्फ इंतकामी नीयत से कार्रवाई की मजम्मत करते हुए बेलगाम जिला में भी अवाम की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर खामोश मुजाहरा किया गया, जिसमें हाथों में हुकूमत के मुखालफत की तख्तियां थामे खामोश मुजाहरा करते देखा गया। खासकर जुमा के बाद मुख्तलिफ मस्जिदों के सामने, घरों के सामने ईडी आईटी के छापेमारी के जरिए हिरासा करने की बात कही गई। अवाम की बढ़ती हिमायत से हुकूमत पर भी दबाव दिखता जा रहा है। कोई कब क्या बोलकर रुपए लूट ले जाए बता नहीं सकते, लिहाजा बेलगाम लोकसभा के इंतखाबात होने हैं। सुरेश अंगड़ी के बाद भाजपा से कौन और कांग्रेस से कौन का सवाल आज भी मौजूद जेर बहस है, पर कुछ ऐसे महान शख्सियतें भी है जिसमें भी पैसा लूटने की तरकीब निकाली लेते हैं। आजकल तो सभी को सियासत में ना सिर्फ जाना है बल्कि एमपी एमएलए भी बनना है। वैसे तो सभी को ख्वाब देखने की इजाजत है, पर ख्वाब किसी एक का ही तो सच होता है, लिहाजा भाजपा से टिकट हासिल करना को जीत की जमानत होने की दलील है। अब तो कांग्रेस का टिकट भी लेना है तो खतरा मोल लेने के बराबर है, पर सभी उम्मीदवार जीतने वाले घोड़ों पर ही किस्मत आजमाना चाहते हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक
युवराज नामी शख्स जो आरएसएस से ताल्लुक रखने की बात कही जा रही है, लोकसभा का टिकट दिलाने का भरोसा दिलाकर 10 करोड़ रुपए की टोपी या ख्वाहिशमंद को पहनाए जाने की खबर है। वैसे भी इससे पहले इसी युवराज ने बड़े प्रोजेक्ट दिलाने का लालच दिलाकर 1 करोड़ रुपए लिए थे, पर जब झूठ साबित हुआ तो युवराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा इख्तदार पसीर हुकूमत है तो इन्हीं लीडरों के दरमियान इसका उठना बैठना होने की बात कही जा रही है। बेलगाम शहर और अतराफ में भी कई ऐसी महान शख्सियतें मौजूद हैं जो बड़े लीडरों के साथ तस्वीरें खींचकर उन तस्वीरों के जरिए नगद कमाने की तरकीब चलाते रहते हैं। मांडोली का कारोबार भी इन्हीं तस्वीरों और सियासी रसूख के जरिए किया जाता है। अब ये महान युवराज भी आरएसएस से होने की बात तो सामने आ ही रही है, अब इसे गिरफ्तार भी किया गया है। तकरीबन 100 करोड़ के करीब चेक बाउंड ड्राफ्ट भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बेंगलोर क्राइम ब्रांच अफसर संदीप पाटिल ने तहकीक जारी रखने की बात की। आरएसएस के इस कारकुन ने कितनों को चूना लगाया और क्या इसके पीछे कौन सा देशभक्त सियासी लीडर है, इसकी तहकीक भी की जा रही है। पर 10 करोड़ रुपए के बदले में बेलगाम लोकसभा का टिकट हासिल करने वाला वो शख्स कौन है, इस पर भी बहस भाजपा में भी जारी है। तकरीबन 10 महीनों के बाद 1 जनवरी से स्कूलों को शुरू करने का फैसला येडियुरप्पा हुकूमत की जानिब से लिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक 10वीं 12वीं के क्लासेस मुस्तकिल शुरू किए जाएंगे तो 6वीं से 9वीं तक के क्लासेस विद्यागम के तहत शुरू किए जाएंगे। पहले 15 दिन क्लासेस किस तरह चलते हैं देखा जाएगा, फिर मुस्तकिल स्कूलों के बारे में फैसला लिया जाएगा, ऐसा हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है और वजीर आला येडियुरप्पा ने भी अपने ट्वीट के जरिए कहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।